हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिचा अग्रवाल. टुडे आई टीच क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? वो बेसिक एक्टिविटीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, या वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. लाइफ प्रोसेस में जैसे क्या क्या आती हैं आपकी? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, यानी कि टेक करते हैं. पहले उसे अपनी बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करते हैं टू परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर वी गेट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स से. और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? फूड से. तो दो सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम अवर सराउंडिंग्स एंड यूज फॉर अवर वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड फूड. वो सब्सटेंसेस जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो वो सब्सटेंसेस जो हमें अपने चारों ओर के वातावरण से मिलते हैं और उनका यूज हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं, उसे हम फूड कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहते हैं वो सब्सटेंसेस जो हमें अपने चारों ओर से प्राप्त हुए भोजन में मिलते हैं, जिसे हम खाते हैं, उसे उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट आएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स क्या है न्यूट्रिशन के, यानी कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स, जैसा कि हम अर्लियर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक के बारे में. ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, क्लोरोफिल और अदर सब्सटेंसेस की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? हम सभी जानते हैं ग्रीन प्लांट्स में डे टाइम में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें वो सनलाइट, वाटर और प्लांट बॉडी में प्रेजेंट ग्रीन कलर के पिगमेंट का यूज करके, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसका यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं. और वो उस फूड को एक बार में यूज नहीं करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी कर देते हैं, ठीक है. और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मींस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस संश्लेषण. यानी कि जब हम प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, जब पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, तो वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हाँ उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट आती है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस साइट सभी को पता होगी क्या होती है. फोटोसिंथेसिस साइट होती है जहां पर प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस साइट कहते हैं. वो ग्रीन कलर कहाँ होता है? मेनली लीव्स में, बट वी गेट समटाइम्स इन स्टेम, ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि यंग स्टेम एंड समटाइम ट्विग्स. ट्विग्स और ग्रीन स्टेम में भी ये ग्रीन कलर पाया जाता है, तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, यस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है, सनलाइट उसको सन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ. बिकॉज रूट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अर्थ एंड ट्रांसपोर्ट टू द प्लांट
बॉडी. क्लियर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. देखिए इसमें मैंने रिएक्शन दिखाई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फूड का फॉर्मेशन है, ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है जिसमें वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में थ्री स्टेप्स मेनली होते हैं. फर्स्टली लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है. सेकेंड, एब्जॉर्ब एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जाती है केमिकल एनर्जी में, मैंने बताया था, यानी कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है एसिमिलेटरी एनर्जी के द्वारा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि फूड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टार्च की फॉर्म में और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर कहाँ से आ रहा है, प्लांट के स्टेम के द्वारा लीफ में पहुंच रहा है. प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर से ली जा रही है सनलाइट, एटमॉस्फेयर से आ रही है, सन से आ रही है, प्लस वाटर, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिल गए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिससे फूड का फॉर्मेशन है कि स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है. इस तरह से फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है एंड इट इज कंप्लीट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट डे आई एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. क्लियर, ओके, बाय बाय.